हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कैम्स आईपीओ, एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ और कैमकॉन के आईपीओ, इन तीनों आईपीओ का डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं। और यहां पर मैं आपको इस वीडियो में इन तीनों आईपीओ का डिटेल कंपैरिजन और कंप्लीट एनालिसिस करके बताऊंगा कि इन तीनों में से कौन सा आईपीओ बेटर है, विच वन इज बेटर, और कहाँ से आपको ज्यादा लिस्टिंग गेंस मिलेगा। तो अगर आपके पास ज्यादा एक्स्ट्रा फंड नहीं है और आप इन तीनों में से किसी एक या फिर किसी दो आईपीओ में ही अप्लाई कर सकते हैं, तो वो कौन सा आईपीओ होगा जहां से आपको बेटर रिटर्न मिलेगा, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, क्योंकि इन तीनों आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको सिंगल वीडियो में मिल रहा है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो अब हम इन तीनों आईपीओ का कंप्लीट डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट ओपन करना होगा, equity2commodity.in। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो होम पेज में ही आपको कैम्स आईपीओ, कैमकॉन आईपीओ और एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ, तीनों आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा। और तीनों आईपीओ आपका ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे ओपन हो रहा है। कैम्स आईपीओ और कैमकॉन आईपीओ आपका 21 सितंबर को ओपन हो रहा है, जबकि एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ उसके नेक्स्ट डे यानी 22 सितंबर को ओपन हो रहा। और 22 और 23 सितंबर को ये तीनों आईपीओ आपका ओपन रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम इन तीनों आईपीओ का डिटेल से कंपैरिजन करते हैं। और इन तीनों आईपीओ के ऊपर हमने सेपरेट वीडियो भी बना रखा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कमोडिटी पे विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने तीनों आईपीओ के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया है, यहाँ पे देख सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग का सेपरेट वीडियो है, कैमकॉन आईपीओ का सेपरेट वीडियो है और कैम्स आईपीओ का सेपरेट वीडियो है। और यहाँ पे हमने कैम्स आईपीओ और कैमकॉन आईपीओ दोनों का कंपैरिजन भी किया है, तो आप ये सारे वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इन तीनों आईपीओ का कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे हमने कैम्स आईपीओ, कैमकॉन आईपीओ और एंजल ब्रोकिंग तीनों आईपीओ एक साथ ओपन कर लिया, ताकि यहाँ पे हमें कंपैरिजन करने में काफी आसानी हो। और अब हम इन तीनों आईपीओ के डिटेल्स को एक एक करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे कैम्स आईपीओ की बात करें, तो ये इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। और उसके साथ साथ ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट आरटीए एजेंट भी है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस में। और अकॉर्डिंग टू क्रिसल टिल नवंबर 2019 इसका जो मार्केट शेयर है वो 69.4 यानी अप्रॉक्स 70% के करीब इसका मार्केट शेयर है म्यूचुअल फंड बिजनेस में। तो देख सकते हैं कि अपने बिजनेस में एकदम मार्केट लीडर की तरह एक्ट कर रहा है। वहीं अगर हम कैमकॉन की बात करें, तो कैमकॉन भी आपका लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर है इंडिया का। और ये जो केमिकल मैन्युफैक्चर करती है उसका मेनली यूज फार्मास्यूटिकल्स में होता है और आपका ऑयल वेल फील्ड में होता है। और अभी फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो भी कंपनी है वो काफी डिमांडिंग में है, उनका डिमांड काफी ज्यादा है। और ये आईपीओ भी उसी फील्ड से है, तो इस आईपीओ का भी अभी डिमांड काफी ज्यादा है कोरोना वायरस के न्यूज को लेके। और जब कोरोना वायरस का वैक्सीन आएगा तो ये सारे कंपनी और ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। वहीं अगर हम एंजल ब्रोकिंग की बात करें, तो एंजल ब्रोकिंग भी ये आपका इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट फुल टाइम सर्विस ब्रोकर है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स। और इसके भी काफी ज्यादा बिजनेस है, ये ब्रोकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, एडवाइजरी बिजनेस में इन्वॉल्व है, मार्जिन फंडिंग में इन्वॉल्व है, लोन अगेंस्ट शेयर प्रोवाइड करता है उसमें भी इन्वॉल्व है। तो इनके भी बहुत सारे बिजनेस नेटवर्क है। तो तीनों कंपनी अपने अपने फील्ड की बेहतरीन कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इन तीनों कंपनी के बारे में और भी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके ये सारे डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। ये सारे बता के मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूंगा। तो अब हम डायरेक्ट इन तीनों कंपनी के स्ट्रेंथ के ऊपर बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे कैम्स आईपीओ के स्ट्रेंथ के ऊपर बात करें, तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है इन लार्ज एंड ग्रोइंग म्यूचुअल फंड मार्केट। तो म्यूचुअल फंड मार्केट भी काफी तेजी से रिसेंट टाइम में ग्रो कर रहा है, तो इसका जो बिजनेस मॉडल है वो भी अभी काफी ट्रेंडिंग में है। और इसका जो कस्टमर के साथ रिलेशन है वो काफी लॉन्ग स्टैंडिंग यानी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है और वो जल्दी ब्रेक नहीं होता। और इसका ऑल ओवर इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस भी है, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं अगर हम कैमकॉन के स्ट्रेंथ के ऊपर बात करें, तो ये आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फार्मास्यूटिकल्स केमिकल का, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे ग्लोबल लेवल पे। और ये आपका ऑयल वेल फील्ड के लिए भी जो केमिकल बनाता है उसमें भी ये आपका लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इंडिया का। और ये जो अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है, तो इसका जो प्रेजेंस है वो ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंस है।
और इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफी स्ट्रांग और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ये भी काफी बेहतरीन है। वहीं अगर हम एंजल ब्रोकिंग के स्ट्रेंथ के ऊपर बात करें तो ये भी आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट फुल टाइम सर्विस ब्रोकर है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स एज ऑन 31 जुलाई 2018। और ये अपने क्लाइंट को एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू काफी सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने सर्विसेज से। वहीं इसके पास काफी ज्यादा स्ट्रांग क्लाइंट बेस्ड है और ये अपने क्लाइंट बेस को ऑनलाइन प्रेजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सब ब्रोकर नेटवर्क के थ्रू कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। और इसका कैश मार्केट और कमोडिटी मार्केट में सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है और इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी काफी बेहतरीन है और ये अपने टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। तो स्ट्रेंथ वाइज तीनों कंपनी हमें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। तो हम तीनों के रिस्क फैक्टर को देख लेते हैं कि तीनों आईपीओ हमें क्या क्या रिस्क है। तो कैम्स आईपीओ जो कि मेनली म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, तो म्यूचुअल फंड बिजनेस में अगर कुछ भी निगेटिव होता है उसके कारण से इसके प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो पहला तो रिस्क फैक्टर ये है। दूसरा है कि इसका जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू होता है वो काफी स्मॉल नंबर ऑफ क्लाइंट से आता है, तो उसमें से अगर एक दो क्लाइंट भी जाते हैं तो उसके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसके जो टॉप 5 क्लाइंट्स है उससे इसका ऑलमोस्ट 60% का रेवेन्यू जनरेशन होता है। ये थोड़ी सी काउज ऑफ कंसर्न है यहाँ पे। वहीं कैमकॉन के रिस्क फैक्टर की बात करें तो ये आपका फार्मास्यूटिकल फील्ड्स ऑयल बेल इंडस्ट्री से रिलेटेड इसका बिजनेस है। अगर उन दोनों इंडस्ट्री में कुछ भी होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इसके बिजनेस और रेवेन्यू पे देखने को मिल सकता है। और वहीं इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी लिमिटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और ये जो बिजनेस है वो अभी कुछ होने वाला नहीं है, 2-3 साल तक ये काफी तेजी से ग्रो करने वाला है, तो रिस्क फैक्टर इसमें उतना ज्यादा सीरियस वाला नहीं है। वहीं एंजल ब्रोकिंग के रिस्क फैक्टर की बात करें तो ये बिजनेस भी आपका काफी रेगुलेटरी के अंदर आता है, ये आपका डायरेक्टली सेबी के अंदर आता है, IRDA और RBI के अंदर आता है, तो उन सब के द्वारा अगर कुछ भी चेंजेस किए जाते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट पे देखने को मिल सकता है। और इसका जो मोस्टली ऑपरेशन रहता है वो टेक्नोलॉजी और IT सिस्टम पे डिपेंड करता है, तो अगर इसमें कुछ भी फेल्योर आता है या फिर माल फंक्शन होता है तो फिर इसका मार्केट में खराब रेपुटेशन जा सकता है और वहां से इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट पे असर देखने को मिल सकता है। और इसका जो मेनली इनकम है वो ब्रोकिंग से इनकम है और इससे रिलेटेड बिजनेस से है, तो अगर इसमें कुछ भी रिडक्शन होता है तो इसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जो ये ब्रोकरेज इंडस्ट्री है वो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स तक काफी तेजी से ग्रो करने वाला है, तो तीनों का जो रिस्क फैक्टर है उतना सीरियस वाला रिस्क फैक्टर नहीं है। सिर्फ कैम्स का जो एक रिस्क फैक्टर है कि इसका लार्ज पोर्शन फ्यू नंबर ऑफ क्लाइंट से आते हैं वो थोड़ी सी काउज ऑफ कंसर्न है यहाँ पे, बाकी सारे का रिस्क फैक्टर उतना ज्यादा सीरियस नहीं है। तो अब हम इन तीनों के आईपीओ डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं। तो देख सकते हैं कैम्स आईपीओ और कैमकॉन आईपीओ दोनों 21 सितंबर को ओपन हो रहा है और 23 सितंबर को क्लोज हो रहा है, जबकि एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ 22 सितंबर को ओपन हो रहा है और 24 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे और भी डिटेल्स दिए गए, आप इसको देख सकते हैं, ये उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है कंपेरिजन में, तो इसको मैं उतना डिटेल से नहीं बताने जा रहा हूं। आप तीनों को यहाँ पे आईपीओ टाइमलाइन भी देख सकते हैं कि कब मार्केट में लिस्ट हो रहा, ये दोनों तो सेम टाइम पे ही मार्केट में लिस्ट हो रहा, जबकि एंजल ब्रोकिंग 5 अक्टूबर को मार्केट में लिस्ट होगा। अब हम इन तीनों का जो मेन है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसका एनालिसिस करते हैं और कंपेरिजन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले टोटल रेवेन्यू है, टोटल एक्सपेंस है और फिर नेट इनकम है, तो थोड़ा सा स्क्रीन छोटा होने के कारण वो सब आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, डायरेक्ट सिर्फ डेटा दिखेगा। तो अगर हम कैम्स आईपीओ के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो ईयर बाय ईयर देख सकते हैं इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज ही किया है और ये डेटा फर्स्ट हाफ ऑफ FY20 का है, तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे 720 के करीब होता है, तो टोटल रेवेन्यू इसका ईयर बाय ईयर इंक्रीज ही किया है, टोटल एक्सपेंस भी आपका ईयर बाय ईयर कंटिन्यूअसली ग्रो ही किया है, और नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी इसका कंटिन्यूअसली ईयर बाय ईयर ग्रो ही किया है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स वाला कंपनी है, इसका फाइनेंशियल्स काफी बेहतरीन है। वहीं अगर हम कैमकॉन आईपीओ के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो इसका अभी टोटल रेवेन्यू 2018-19 में तो ग्रो किया है लेकिन 2020 में थोड़ा सा नीचे गया है, टोटल एक्सपेंस का भी वही हाल है, FY19 में तो ग्रो किया है लेकिन FY20 में थोड़ा सा डिक्रीज किया टोटल रेवेन्यू के साथ साथ। वहीं अगर हम नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम इसका कंटिन्यूअसली ग्रो किया है ईयर बाय ईयर और नेट मार्जिन भी कंटिन्यूअसली ग्रो किया है, तो रेवेन्यू थोड़ा सा FY20 में डिक्रीज किया लेकिन नेट इनकम इसका कंटिन्यूअसली ग्रो किया, तो इसका भी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी ठीक ठाक ही है, इसको भी हम बोल सकते हैं कि
गुड फाइनेंशियल्स वाला कंपनी है ये। अब हम यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग के फाइनेंशियल्स डिटेल्स को देखते हैं। तो टोटल रेवेन्यू की बात करें तो FY 18 और 19 में इंक्रीज किया, लेकिन FY 20 में ये डिक्रीज किया है। नेट इनकम का भी वही हाल है, टोटल एक्सपेंस का भी वही हाल है, और नेट इनकम और नेट मार्जिन का भी वही हाल है। FY 19 में तो इंक्रीज किया है, लेकिन FY 20 में ये डिक्रीज किया है। तो इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है एंजल ब्रोकिंग का, वो उतना बेहतरीन नहीं है। इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बिलो एवरेज है। तो अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाइज देखें तो सबसे बेहतरीन आपको कैम्स आईपीओ लग रहा, उसके बाद कैमकॉन आईपीओ है, और उसके बाद एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ है। तो अब हम इन तीनों के वैल्यूएशंस को देखते हैं और वैल्यूएशंस वाइज हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कौन ज्यादा बेहतरीन है। तो फेस वैल्यू सबका ₹10 है। अर्निंग पर शेयर्स कैम्स आईपीओ का ₹35.54 है, जबकि कैमकॉन का ₹15.37 है और एंजल ब्रोकिंग का ₹11.44 है। तो सबसे कम अर्निंग पर शेयर्स एंजल ब्रोकिंग का ही है और सबसे बेहतरीन अर्निंग पर शेयर्स कैम्स आईपीओ का है। पी रेशियो किसी का भी अपडेट नहीं हुआ, जैसे ही अपडेट होगा यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, आप हमारे वेबसाइट पे आके विजिट कर सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो कैम्स आईपीओ का है 32.13%, कैमकॉन का है 34.23% और एंजल ब्रोकिंग का है 13.92%। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी सबसे कमजोर एंजल ब्रोकिंग का ही है, सबसे बेहतरीन कैमकॉन आईपीओ का है, और कैम्स का भी ठीक ठाक ही है। वहीं अब हम इन तीनों आईपीओ का नेट एसेट वैल्यू देखते हैं और उसके बाद इसको हम प्राइस बैंड से कंपेरिजन करते हैं और उससे फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि आईपीओ ओवर प्राइस तो नहीं है। तो कैमकॉन का जो प्राइस बैंड है वो है आपका 1230 के करीब। तो अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो ये आपका 11 टाइम्स से स्लाइटली ज्यादा हो रहा है। वहीं कैमकॉन के प्राइस बैंड को देखें तो इसका प्राइस बैंड है 340 के करीब। तो अगर हम इसको नेट एसेट वैल्यू से कंपेयर करें तो इसका भी 7 टाइम्स से स्लाइटली ज्यादा हो रहा प्राइस बैंड। वहीं एंजल ब्रोकिंग का नेट एसेट वैल्यू है ₹82.15 और इसका जो प्राइस बैंड है वो है ₹306 के करीब। और अगर हम नेट एसेट वैल्यू से कंपेरिजन करें तो ये आपका 3 टाइम्स से स्लाइटली कम हो रहा है। तो वैल्यूएशंस वाइज और फाइनेंशियल्स वाइज सबसे कमजोर एंजल ब्रोकिंग था, तो इसलिए इस आईपीओ का प्राइस भी काफी नीचे रखा गया, यानी ये अपने हिसाब से फेयर वैल्यूड है। जबकि अगर हम नेट एसेट वैल्यू से कैमकॉन का कंपेरिजन करें तो ये 7 टाइम्स ज्यादा है और कैम्स आईपीओ 11 टाइम्स ज्यादा है, जबकि एंजल ब्रोकिंग सिर्फ 3 टाइम्स ही ज्यादा है। तो फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस को देखते हुए एंजल ब्रोकिंग आपका फेयर वैल्यूड है, ये बिल्कुल भी ओवर प्राइस्ड आईपीओ नहीं है। कैमकॉन भी ठीक ठाक ही है, इसको भी हम फेयर वैल्यूड ही बोल सकते हैं, लेकिन कैम्स आईपीओ आपका स्लाइटली ओवर प्राइस्ड लग रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इसके फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस भी काफी जबरदस्त है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो वैल्यूएशंस वाइज तीनों तो ठीक ही है, बस कैम्स आईपीओ थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, लेकिन तीनों आईपीओ हमें जबरदस्त लिस्टिंग गेंस मिलने वाला इतना तो तय है। हमें कैम्स आईपीओ से भी जबरदस्त लिस्टिंग गेंस मिलेगा, कैमकॉन से भी मिलेगा, और एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ से भी हमें जबरदस्त लिस्टिंग गेंस मिलेगा। तो कौन आईपीओ से कितना लिस्टिंग गेंस मिलने वाला वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो चीज आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। इसके लिए हम ड्रैग करके पेज के बॉटम में आते हैं और हम ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कैम्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं। तो एज ऑन 19 सितंबर 2020 इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो है ₹340 से लेके ₹350 पर शेयर्स, और इसका जो लॉट साइज है वो है 12 का। तो अगर आप 340 इंटू 12 करते हैं तो ये आपका 4000 के करीब होता है। तो इस आईपीओ से आपको 4000 के करीब लिस्टिंग गेंस मिलता हुआ दिख रहा है एज ऑन 19 सितंबर 2020। वहीं अगर हम कैमकॉन आईपीओ की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है एज ऑन 19 सितंबर 2020 ₹225 से लेके ₹230 पर शेयर्स, और इसका लॉट साइज है 44 का। तो अगर हम इसको थोड़ा नीचे भी लेते हैं और 200 के राउंड फिगर में भी लेते हैं, फिर भी इस आईपीओ से हमें 9000 के करीब लिस्टिंग गेंस मिलता हुआ दिख रहा है एज ऑन 19 सितंबर 2020। वहीं अगर हम एंजल ब्रोकिंग की बात करें तो इसका जो लॉट साइज है वो है 49 शेयर्स का। तो अगर हम 100 × 49 करते हैं तो यहाँ पे हो रहा 4900 के करीब, यानी यहाँ पे 5000 करीब लिस्टिंग गेंस मिलता हुआ दिख रहा एज ऑन 19 सितंबर 2020। तो आज के डेट के लिहाज से सबसे कम लिस्टिंग गेंस हमें कैम्प्स आईपीओ से ही मिलता हुआ दिख रहा, क्योंकि ये आईपीओ थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड लग रहा, और सबसे ज्यादा लिस्टिंग गेंस हमें कैमकॉन आईपीओ से मिल रहा 9000 करीब एज ऑन 19 सितंबर 2020।
और वहीं एंजल ब्रोकिंग आईपीओ हमें 5000 करीब लिस्टिंग गेंस मिल रहा है। लेकिन एक चीज पे ध्यान देना होगा, एंजल ब्रोकिंग का जो आईपीओ साइज है वो है आपका 600 करोड़ के करीब, कैमकॉन आईपीओ का जो आईपीओ साइज है वो है आपका 300 करोड़ के करीब, और कैम्स आईपीओ का जो आईपीओ साइज है वो है 2200 करोड़ के करीब। तो इसका आईपीओ साइज काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे आपके अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे इन कंपेरिजन टू कैमकॉन आईपीओ और एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ, क्योंकि यहाँ पे आईपीओ का साइज ज्यादा है तो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, और इन दोनों आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कम रहेंगे। तो यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन थोड़ा ज्यादा तो मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट ही नहीं मिलता है तो आपको कुछ भी लिस्टिंग गेन्स नहीं मिलेगा। इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, लिस्टिंग गेन्स थोड़ा कम तो जरूर है, लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर आपको अलॉटमेंट की सिक्योरिटी चाहिए और लिस्टिंग गेन्स थोड़ा कम चलेगा तो आप कैम्स आईपीओ की तरफ जा सकते हैं, और प्रेफरेंस आपका यही होना चाहिए कि कैम्स आईपीओ में अप्लाई करने का। दूसरे नंबर पे आप कैमकॉन और एंजल ब्रोकिंग किसी में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों से आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन्स मिलेगा। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो अगर आपके पास सफिशियंट फंड है तो आप तीनों आईपीओ में अप्लाई करें, तीनों आईपीओ काफी बेहतरीन है। अगर तीनों में से कोई एक भी मिल जाता है तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा लिस्टिंग गेन्स मिलेगा। अगर तीनों आईपीओ मिल जाता है तो आपको यहाँ पे जैकपॉट लग जाएगा और आपको जबरदस्त रिटर्न मिलने वाला है। और लॉन्ग टर्म लिहाज से अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कैमकॉन और कैम्स, इन दोनों में आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंजल में थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि लॉन्ग टर्म लिहाज से उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, आपके पास दूसरा ऑप्शन है वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कंप्लीट डिटेल्स आपको इन तीनों आईपीओ के बारे में बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस आईपीओ से रिलेटेड जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।